Continue with chapter number 1. In this video, we are going to discuss advantages of accounting, means what are the different benefits of accounting, what are the different usefulness of the accounting. So, in the words of Welsich and Antony, a good system of accounting is a storehouse of valuable information. Agar koi company अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम को मतलब एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करती है तो वो उसके लिए एक स्टोर हाउस होगा, ऐसा स्टोर हाउस जिसमें उसको सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि कंपनी में हमें टाइम टू टाइम अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसके लिए हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम, एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपके लिए एक स्टोर हाउस बन जाएगा। क्लियर? सो इसी को ध्यान में रख के देयर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, रिप्लेसमेंट ऑफ द मेमोरी। सबसे पहले यही है कि जो ह्यूमन होता है उसकी जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, हम सब कुछ अपने दिमाग में स्टोर कर नहीं रख सकते, इसलिए हम अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं फॉर द डिफरेंट ट्रांजेक्शन। जैसे सेल्स के लिए सेल्स बुक हो जाएगी, कैश के लिए कैश बुक हो जाएगी, परचेजेस के लिए परचेज बुक हो जाएगी। सो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग हम बुक्स बनाते हैं, सो दैट कि हम अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक और परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो बनाकर रख सकें, और जब भी हमें टाइम टू टाइम उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने वो डिफरेंट बुक्स खोलकर अपनी इन्फॉर्मेशन को असेस कर लेंगे। सेकेंड इज हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। हर एक बिजनेस को जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है, या कोई वैल्यू एडेड टैक्स या एक्साइज टैक्स जो आजकल GST भी बन चुका है। सो हर एक कंपनी को कोई ना कोई टाइम टू टाइम टैक्स पे करना पड़ता है, और जो टैक्स होते हैं वो प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है, और प्रॉफिट हम कैलकुलेट तभी कर सकते हैं अगर हमने अपने अकाउंट्स को अच्छी तरह से मेंटेन किया है। सो अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छी तरह से बनाई है, उसके बेसिस पे ही रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हम अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सही अकाउंट्स बनाएंगे तभी हम जो है वो टैक्स कि जो लाइबिलिटी है हमारी, क्योंकि हमें तो टैक्स देना ही पड़ेगा, वो अच्छी तरह से असेस कर लेंगे। और इन केस अगर हमने अच्छी तरह से अकाउंट्स नहीं बनाए, मतलब आपने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा, तो जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो खुद फिर टैक्स कैलकुलेट करेगी, फिर उनके डिसीजन चलेंगे, जो उनको ठीक लगेगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसा ठीक लगेगा वैसे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है? सो पर्सनल जजमेंट का स्कोप हमने नहीं देना, इससे बेहतर है कि हम खुद ही अपने अकाउंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं, सो दैट कि फ्यूचर में जब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है इट विल बी इजी फॉर द कंपनी टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स। देन इट इज प्रिवेंट्स फ्रॉड्स। अगर हम अच्छी तरह से अकाउंट्स बनाएंगे तब इरेगुलरिटीज, मिसअप्रोप्रिएशंस, फ्रॉड्स और एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब कभी लिख लिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ लिख लिया, ऐसा नहीं होगा, इसके चांस कम हो जाएंगे। मिसअप्रोप्रिएशन, कोई खर्चा कम है उसको ज़्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट कम है उसको ज़्यादा दिखा दिया या कम दिखा दिया, इसके चांसेस भी हम अवॉइड कर सकते हैं। फ्रॉड, अगर कोई पर्सन इंटेंशनली कुछ गलत करना चाहता है कंपनी में तो उसको भी हम रोक सकते हैं काफ़ी हद तक, और गलतियों को भी सुधार सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमने अपने अकाउंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है। हमारा कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो डिसऑनेस्ट है, मतलब वो धोखा करना चाहता है कंपनी के साथ, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी अपने आप अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स बनाओगे और प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे। अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं बनाने तो फ्रॉड के चांसेस, एरर के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है? इसलिए कंपनी को अपने अकाउंट्स की सिस्टमेटिकली, सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड रखना चाहिए, सो दैट के फ्यूचर में कोई भी पर्सन या किसी भी वजह से जो फ्रॉड है, एरर्स है, वो ना हो। अगर हो तो हमें टाइमली पता लग जाए और उसको हम बिल्कुल ठीक कर सकें। देन फोर्थ एडवांटेज इज बिजनेस वैल्यूएशन। अगर कोई बिजनेस चल रहा है और आपको ऑन द स्पॉट या सडन आपको जो है बिजनेस को सेल करना पड़े, तो आपको एक सेल प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमारे बिजनेस की कितनी कीमत है, या आपने किसी और का रनिंग बिजनेस खरीदना है तो कितने पैसों में आप दूसरों का बिजनेस खरीद लोगे, चाहे खुद का बेचना है चाहे किसी का खरीदना है। हर एक बिजनेस की एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली हम कितने का लेन देन करेंगे,
और वो वैल्यूएशन सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आपने प्रॉपर अकाउंट्स बना कर रखे होंगे। तब आपको सब कुछ पता लगेगा कि आपकी कंपनी में अभी तक कितना पैसा लग चुका है, कौन कौन सी एसेट्स हमारे पास है, कितने हमारे उधार है, कितने हमारे लॉसेस हैं, कितने हमारे प्रॉफिट्स हैं, तभी जो है हम अपने बिजनेस की सही वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फिफ्थ इज हेल्प्स इन डेट कलेक्शन। डेट का मतलब होता है उधार। हम जब कंपनी क्रेडिट बेसिस के ऊपर भी डील करती है और हम अपने कस्टमर्स को उधार पे गुड्स बेचते हैं, कैसे हमने राम श्याम मोहन सोहन किसी को भी उधार पे क्रेडिट पे गुड्स बेची, अब उन पर्सन्स ने हमें कितना पैसा दे दिया है, कितना पैसा उनका पेंडिंग है, ये कैलकुलेट हम तभी कर सकते हैं जब हमने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए होंगे। सो इट विल बी ईजी फॉर द कंपनी टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड सो फार, कितना पैसा रिसीव कर लिया है, कितना पैसा अभी तक पेंडिंग है, क्योंकि हर एक पर्सन का हमने सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाया होगा और जिसने हमें पैसे नहीं दिए उसके बारे में भी कैलकुलेट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए प्रॉपर अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देन सिक्स्थ पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग। एक अच्छी मैनेजमेंट हमेशा प्लान्स के साथ ही काम करती है। कंपनी में कैसे प्लान्स हो सकते हैं, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी गुड्स का हमने गुड्स परचेज करनी है, कितनी आइटम हम सेल कर सकते हैं, ये अपने गुड्स की हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना पैसा लगाना है, कौन कौन सी फिक्स्ड एसेट हमने खरीदनी है, या कहाँ कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आ सकता है। और प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूरिस्टिक होती है, और प्लानिंग हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, इसलिए हमें पहले ही प्लान्स बनाकर रेडी रखने पड़ते हैं। अच्छे प्लान और सही प्लान हम तभी बना सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होंगे, डाटा पूरा होगा, हम उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे कि फ्यूचर में कैसा प्लान होना चाहिए। सो अच्छी प्लानिंग तभी पॉसिबल है अगर अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन्ड हों, अगर अकाउंट्स नहीं है तो प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल, इफेक्टिव प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए अकाउंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। सेवन्थ पॉइंट इज फंड्स रेजिंग बिकम ईजी। इन केस किसी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है या हम अपने क्रेडिटर से उधार का गुड्स खरीदना चाहते हैं, कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं, अब कोई कंपनी या कोई बैंक हमें पैसा क्यों देगी या किस बेसिस पे देगी, डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर बैंक ने भी हमें लोन देना है तो वो पिछला रिकॉर्ड हमसे मांगेगी। अगर हमारा पिछला रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन्ड होगा, प्रॉपर हमने अकाउंट्स बनाए हैं, प्रॉपर वहाँ शो हो रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको इवेल्युएट करने के बाद ही बैंक्स या कोई क्रेडिटर जो है हमें लोन दे सकता है। सो, अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और लोन रेज करना चाहती है तो उसके लिए आपको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन्ड होंगे तभी आप इजिली लोन जो है रेज कर सकते हैं। देन एट पॉइंट इज एविडेंस इन द कोर्ट। अगर किसी कंपनी के ऊपर केस हो जाता है और उसको अपना क्लेम सेटल करना पड़े तो कंपनी को कोर्ट के सामने अपने अकाउंट्स को पेश करना पड़ता है। जब हम अपने अकाउंट्स पेश करेंगे उसके साथ जितने भी एविडेंस है लाइक कैश मेमो, वाउचर्स, बिल्स, रिसीट, ये सब कुछ हमें शो करना पड़ेगा। अगर ये सारे प्रूफ और अपने अकाउंट्स हम वहाँ शो करते हैं तभी कोर्ट जो है अपना सही डिसीजन दे पाएगी। ठीक है, सो कई बार जो हमारे अकाउंट्स है वो कोर्ट में के एविडेंस के तौर पे भी काम आते हैं। सो किसी केस को सेटल करने के लिए हमें अकाउंट्स जो है आगे पेश करने पड़ सकते हैं। सो आप प्रॉपर अकाउंट्स बनाएंगे तभी कोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट करेगी अगर कंपनी के ऊपर कोई केस अराइज हो जाता है। देन नाइन्थ पॉइंट इज कंपैरिजन। दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, द वेरी फर्स्ट इज इंटर फर्म कंपैरिजन एंड सेकेंड इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर एंड इंट्रा दोनों ही कंपैरिजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंटर कंपैरिजन का क्या मतलब है, अगर एक कंपनी मान लो ए है वो अपनी परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी बी कंपनी के साथ कंपेयर करती है कि हमारी कंपनी अच्छी है या बी कंपनी अच्छी है, तो इस कंपैरिजन को हम बोलते हैं इंटर कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। और इंट्रा का मतलब होता है कंपनी एक ही है, वो चेक करे कि 2019 में उसने कैसे परफॉर्म किया,
2020 में उसने कैसी परफॉर्मेंस दी, पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल कंपनी ने अच्छा किया है कि अच्छा नहीं किया। दोनों ही कंपैरिजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपैरिजन करना और खुद की परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करना कि पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल कंपनी ने अच्छा किया कि नहीं किया। इससे हर एक कंपनी को जो है अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पता लगता है कि क्या कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है जिसमें कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है, कौन से पॉइंट है, कौन सी ऐसा एरिया है जिसमें कंपनी वीक पड़ रही है, या फ्यूचर में कंपनी को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि कहाँ कहाँ वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है, या थ्रेट्स हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, वो हमें ज़्यादा खतरा तो नहीं दे रहे जिसकी वजह से हम फ्यूचर में हमारे बिजनेस में हैं जो कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये तभी पॉसिबल है जब हम दूसरों के साथ अपने रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, और सही कंपैरिजन के लिए प्रॉपर अकाउंट्स होना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अकाउंटिंग हमारे लिए ज़रूरी है, प्रॉपर अकाउंटिंग हमारे लिए ज़रूरी है, ओनली देन कंपैरिजन इज पॉसिबल। देन 10th पॉइंट इज असर्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। जैसे हम सारे जानते हैं कि अल्टीमेटली हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड, कि पूरे साल काम करने के बाद लास्ट में कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सही प्रॉफिट और सही लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप बनाओगे, प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे, तभी कंपनी जो है अपनी परफॉर्मेंस को सही सही इवेल्युएट कर सकती है कि प्रॉफिटेबल, मतलब कि कंपनी एक्चुअल प्रॉफिटेबल है भी है कि नहीं है। देन 11th इज असर्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। हमने पहले भी पढ़ा, अगर हम अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो मतलब परफॉर्मेंस से हमें पता लगता है कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। अगर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं तो मतलब हमें बैलेंस शीट के बारे में बात करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि कंपनी के पास खुद की कितनी एसेट्स हैं, खुद की पूंजी कितनी है, और हमने बाहर से कितना पैसा उधार लिया है। सो इस पोजीशन को इवेल्युएट करके हम देख सकते हैं कि कंपनी ने खुद पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया है या हम उधार पे ही चल रहे हैं। क्लियर है? आगे फर्दर चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट कैसी होती है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज़ होता है जो हमने पैसा बाहर से उधार लिया है, और एसेट्स होते हैं जो हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनी में हमने खुद पैसे लगा के कोई अपनी पूंजी बनाई है। सो इससे ये पता लगता है कि कंपनी फाइनेंशियल कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है ना, हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिव हम कहाँ, हमारी पोजीशन है, हम कहाँ मार्केट में स्टैंड करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी क्या होती है? अगर कोई पर्सन या कोई कंपनी के पास लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनके पास एसेट्स कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि पर्सन जो है या कंपनी है इनसॉल्वेंट डिक्लेयर होगी। सिंपल लैंग्वेज में बोले, जैसे हमने सुना होगा कि पर्सन या कंपनी का दिवालिया निकल गया, इसका मतलब यही होता है कि जो लोगों से हमने उधार लिए हैं अब उनके उधार वाले पैसे हम वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पेइंग कैपेसिटी ही खत्म होगी, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम कंपनी को या किसी और को पैसा दे सकते कि नहीं दे सकते। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई पर्सन या कंपनी का इनसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाती है, तो जो भी उसके पास अभी तक है, एक ऑफिशियल रिसीवर होता है, इस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, वो सब कुछ ही उसका देखेगा कि उसके पास कितना कुछ रह गया है, कितने उसके उधार हैं, और उसके बाद कितना पैसा हम जो है उसकी एसेट, उसकी प्रॉपर्टी को बेच के निकाल सकते हैं, और उसी पैसों से फिर जो उसका उधार होगा वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ठीक है। सो कंपनी अगर इनसॉल्वेंट होने लगी है तो हमारे अकाउंट्स हमें पहले बता देंगे, अगर हम प्रॉपर अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी पोजीशन, हमारी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, बार बार लॉसेस में जा ही जा रहे हैं, तो क्लियर ही हो जाएगा ना कि अब इतना लॉस हो गया कि हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सो दिस वॉज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1।